में आपको शायद जानकारी होगी कि हम कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्षी दल नहीं है। तो हम हमारी कोशिश होगी, हम अपना कांग्रेस का और हमारा वामपंथी मोर्चे के साथ हमारा गठबंधन है। पिछली बार भी हम लोगों को 44 सीट आई थी और वामपंथी को 29 सीट आई थी शायद, तो अपनी सीट तो आई थी। उस समय भी बहुत बातें कही जा रही थी कांग्रेस के बारे में, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ जो है वो ट्रायंगुलर फाइट होगा, त्रिकोणीय होगा, क्योंकि लोग वहाँ के बंगाल के लोग, उनका मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। और वो क्योंकि सुभाष बाबू की धरती रही है, वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, ऐसे महान महान लोगों की धरती रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि हम सांप्रदायिक माहौल बनाकर लोगों के अंदर नफरत और घृणा पैदा करके उसका हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे, ये भी एक विचित्र बात है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने यही कहा था कि भारत सरकार की गलत नीति के कारण दाम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा था कि हम चूँकि तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, हम उससे देश की जो कीमत उसको जोड़ने का काम हमने किया है। तो जब अगर वहाँ घटेगा तो यहाँ भी घटेगा, वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। लगातार तेल की कीमत घटती गई हम लोगों ने देखा, और उसके बावजूद भी कीमत घटाई नहीं गई, और एक्साइज जो होता है, जो टैक्स होता है केंद्र सरकार का, उसको नहीं घटाया गया, और उसी के कारण कीमत बढ़ती चली गई। और आज भी हमारे अपने पड़ोसी देशों को भी देखिए, और पूरे देश पूरी दुनिया को देखिए, कहीं भी तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तेल की कीमत आज भारत में। और शायद इसलिए है कि भारत के लोग खामोशी से उस बोझ को बर्दाश्त कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि कोई विरोध नहीं इस बात का हो रहा है, इसलिए इस काम को करते जाओ।